Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to discuss about new topic. The name of topic is types of catalyst. So पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि कैटलिस्ट क्या होता है. सो उसको एक बार रिकैप करते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा टाइप्स. कैटलिस्ट क्या होता था? वैसा मटेरियल्स जो कि केमिकल्स रिएक्शंस के स्पीड को इनक्रीज करें या तो डिक्रीज करें, साथ ही साथ उसके एनर्जी लेवल्स को भी चेंज करें, उसको क्या बोलते थे? कैटलिस्ट. तो अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में. बात करें बेसिकली तो इसका दो टाइप्स होता है. किसका? कैटलिस्ट का. कौन कौन सा? एक पॉजिटिव कैटलिस्ट और एक नेगेटिव कैटलिस्ट. वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, वन इज पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव. सो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता क्या है? वैसा कैटलिस्ट जो कि केमिकल्स रिएक्शंस के स्पीड को इनक्रीज कर दे, उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट. वही बात करें नेगेटिव कैटलिस्ट की, तो वैसा कैटलिस्ट जो कि केमिकल्स रिएक्शंस के स्पीड को डिक्रीज कर दे, जस्ट उसका ऑपोजिट, तो इसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट. सो बेसिकली यही दो टाइप्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. ऑन द अदर हैंड कैटलिस्ट को आप और कुछ पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हो. सो और चार टाइप्स हैं. फर्स्ट इज होमोजेनियस कैटलिस्ट. व्हाट आर होमोजेनियस कैटलिस्ट? वैसा कैटलिस्ट जो कि रिएक्टेंट के साथ सेम फेस में हो, सो दैट वी कॉल दैट्स होमोजेनियस कैटलिस्ट. ठीक है. हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट सेकेंड है. वैसा कैटलिस्ट जो कि रिएक्टेंट के साथ डिफरेंट फेस में हो, मीन्स सेम फेस में ना हो, सो दैट वी कॉल दैट्स हेट्रोजेनियस कैटलिस्ट. थर्ड इज ऑटो कैटलिस्ट. ऑटो कैटलिस्ट में क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वह केमिकल्स रिएक्शंस के स्पीड को इनक्रीज कर देता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटो कैटलिस्ट. इंड्यूस्ड कैटलिस्ट. दो केमिकल्स रिएक्शंस आपस में एक दूसरे का क्या करते हैं? स्पीड को इनक्रीज करते हैं, सो दैट कैटलिस्ट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड कैटलिस्ट. नहीं, सो ये सब हम देखे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट. सो मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ. इस क्लास में इतना ही. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. ऑल द वेरी बेस्ट.